धर्म नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में साधुओं की अनोखी पूजा देखने को मिली है। ये साधु संत धुनी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इनकी ये पूजा इतनी कठिन है कि देखकर हैरान हो जाएंगे। आप देखिए इन साधुओं की धुनी पूजा। ये साधु संत खुले आसमान के नीचे धुनी जलाकर बैठे हैं, चारों तरफ गोलाकार आकृति में उपलों की आग में बीच में भगवान की भक्ति में लीन है। कोई शंख बजा रहा है, कोई अपने सर पर भी आग जलाकर बैठा है, कोई माला जप रहा है, कोई साधन में लीन है। ये जो है तपस्या है, एक तरह की धुनी तपस्या। कोई खप्पर धुनी भी तकते हैं ऊपर सर पर, खप्पर रख करके आग रख करके, सुने होंगे आप, उसको भी तपते हैं। कुछ चारों तरफ आग लगा के तपते हैं। अच्छा, तो इसका शास्त्र में भी प्रमाण दिया है। कारण क्या, चार प्रकार की तपस्या हैं, तपेश्वरी, भूमेश्वरी, राजेश्वरी हैं और स्वादेश्वरी। चार प्रकार के जो है संत हैं, चार प्रकार के। एक तपस्या एक तरफ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कोई धुनी तपस्या कर रहा है, कोई खप्पर धुनी तपस्या कर रहा है। ये सब शास्त्र का प्रमाण है ना। धुनी के जगह विश्व में शांति हो और भगवान की प्राप्ति हो जाए। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी वो स्वयं, देखो विवेकानंद ने किया कि नहीं किया। विवेकानंद देखो अमेरिका में पहुँचे, वो पहुँच गए थे वहाँ पर, उन्होंने शांति कर दिया। इतनी कठिन तपस्या होती है, ये बहुत कठिन था, सबके सब नहीं कर सकते हैं। करे कष्ट पावे कोई, रामायण में चौपाई, करे कष्ट पावे कोई कोई, रामायण की चौपाई है, करे कष्ट पावे कोई कोई। अगर कोई पा भी जाता तो जाते नहीं, जो है उन लोगों को झपकी आना शुरू हो जाएगा। तक करना होता है हैं, ये चलेगा ये चार महीने तक चलेगा। ये ठंडी धुनी करेंगे जो है जेठ में, बैसाख में, जो सर्दी में बंद रहती है उस समय, बरसात में बंद रहती है। अभी शुरू हो जाएगी, अब ये शुरू कर दिए, अब ये चार महीने तक चलेंगे। अब ये साधक चार महीने निरंतर इस धुनी पूजा में लीन रहेंगे। बसंत पंचमी से शुरू हुई ये कठिन पूजा लगातार भीषण गर्मी में भी की जाएगी। संत ये पूजा देश हित जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ये साधु जहां भी रहेंगे चार माह ऐसे ही तपस्या करेंगे। इस पूजा को करने वाले साधु संत कई पारी में अग्नि तापते हैं। देखने वाले भी इन साधुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये धुनी तपस्या है, ये चार महीना जो है अखंड तापा जाता है। गर्मी गर्मी के जब एकदम भीषण गर्मी पड़ती है, 47 डिग्री तापमान होता है, कहीं 50 डिग्री होता है, उसी ताप उतने तापमान में सब लोग धुनी तापते हैं। बहुत कठिन तपस्या होती है और देश हित के लिए, जन कल्याण के लिए ये सब संत भगवान, संत महात्मा जो है धुनी तापते हैं। ये चारों तरफ आग जलाते हैं। जी जी, चारों तरफ आग जला कर बैठेंगे, बीच में अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का जाप होता है, इसी के साथ धुनी तपस्या चार महीने तक चलती है। हम अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी के अखाड़े के खाक चौक के हम महंत हैं, और यहाँ पे संत सनक सनंदन सनत कुमार परंपरा से जो है कि धुनी तपस्या चालू है। ये 18 साल के कोर्स होते हैं और बसंत पंचमी को, आज बसंत पंचमी है, आज तपस्या चालू हुआ और जेठ के गंगा दशहरा को ख़त्म होता है। पहली धुनी जो है कि पंच धुनी होती है, तब करने का एक साधन है और ये तीन साल तक चलते हैं। इसके बाद सत्य धुनी आएगा, फिर सत्य धुनी आएगा, वो 3 साल चलेंगे, फिर द्वादश धुनी 12 धुनी चलेगा 3 साल, फिर इसके बाद 84 धुनी 3 साल चलेंगे, फिर कोट धुनी चलेगा 3 साल, फिर कोट खप्पड़ 3 साल। 18 साल का एक कोर्स होता है। इसमें संत भगवान जो हैं तपस्या करते हैं और ये तप करने का ही साधन है। तपस्या का मूल धन है गुरु गोविंद की बताई हुई मार्ग पर ये संत भगवान अग्नि तपस्या करते हैं, जो आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, जनता जनार्दन। देश हित में सबको सुख शांति रहे ये कामना की जाती है। हाँ, देश में सुख शांति रहे ये कामना भी की जाती है। जी हाँ, ये तप संत अपने लिए नहीं करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, देश की सुख शांति, पूरा भक्तगण जो भी हैं सुख रहे, सुखी रहें,
ये अपने कार्य के लिए, अपने लिए नहीं करते हैं ये तपस्या। आम का फल अगर अपने लिए हो जाए तो आम का फल तो परमार्थ के लिए होता है, गंगा अपने लिए नहीं होती, वो परमार्थ के लिए होती है। ठीक इसी तरह से जैसे आम का फल है, गंगा है, नदी है, परमार्थ के लिए होती हैं।